नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे, जैसा कि हम राजस्थान की स्थापत्य कला की बात कर रहे थे, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है, सोनारगढ़ कहा जाता है। तो ठीक है, बात कर रहे हैं सोनारगढ़ जैसलमेर की। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके दूसरे नाम क्या क्या हैं, उपनाम क्या क्या हैं जैसलमेर दुर्ग के। देखिए, इसे एक तो कहा जाता है पश्चिमी सीमा का गढ़, क्योंकि हमने पिछली क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ा ही था कि जो पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी हम जिसे कह सकते हैं वो क्या है, हमारा सोनारगढ़ जैसलमेर। उत्तर का हमने बात की थी भटनेर की, पूर्व में लोहागढ़ जो भरतपुर में है, और दक्षिण में चित्तौड़गढ़ की बात की थी। मध्य में, सेंटर में हमने तारागढ़ की बात की थी जो कि अजमेर में है। तो आज की क्लास में हम किसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ की। इसे पश्चिमी सीमा का गढ़ कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। भाई अंडमान एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा जल के बीच में है एक टापू, उसी प्रकार से एक रेगिस्तान के बीच में जो टापू है, इस वजह से इसे राजस्थान का अंडमान सोनारगढ़ को कहा जाता है। गोरा पहाड़ी यहाँ पर होने के कारण इसे गोरागढ़ भी कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। कई काव्य रचनाओं में इसे जैसाणगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो काव्य रचनाओं में जैसलमेर का प्रयोग या जैसलमेर दुर्ग का प्रयोग जैसाणगढ़ के रूप में किया गया है। अगर आप सोनारगढ़ किले में जाएंगे तो आपको मतलब कई सकरी सकरी गलियां देखने को मिलेंगी, और इसी वजह से इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी, हम सभी जानते हैं कि सुबह के समय जब सूरज उगता है या शाम के समय जब सूरज अस्त होता है, तो एकदम जब सूरज की लाल किरणें रेत पर पड़ती है तो बिल्कुल ये सोने के समान चमक उठता है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो ये तो कुछ उपनाम हो गए जो कि सोनारगढ़ किले के हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। इसका निर्माण जो है वो माना जाता है कि 1155 ईस्वी में, 12 जुलाई 1155 में त्रिकुट पहाड़ी, जिसे हम गोरा पहाड़ी भी कहते हैं, वहां पर किसने करवाया, सबसे पहले करवाया है जैसल देव भाटी ने, इसकी शुरुआत करवाई थी। तो शुरुआत पूछी जाए तो जैसल भाटी के द्वारा करेगी, लेकिन इसका जो पूर्ण निर्माण है 10 साल बाद 1165 में, इन्हीं के पुत्र जैसल देव भाटी के पुत्र ने ही, जो कि नाम था शालिवाहन द्वितीय, उन्होंने इसे पूर्ण करवाया। श्रेणी अगर हम देखते हैं तो इसकी श्रेणी कौन सी हो जाएगी, धानवन श्रेणी हो जाएगी। अगर हम प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो जैसलमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसे क्या कहा जाता है, अक्षय पोल कहा जाता है। तो इसका जो हम कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार है वो क्या होगा, अक्षय पोल। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि यहाँ पर जो छत है, इस दुर्ग की जो छत है वो किससे बनी हुई है, लकड़ी से निर्मित है। अब देखिए, लकड़ी से निर्मित होने के बाद इतने सालों बाद भी 1165 में ये बना है और अब तक ये इतना सुरक्षित है, जबकि लकड़ी से बना हुआ है, क्योंकि लकड़ी जो है वो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, दीमक उन पर लग सकती है, लेकिन हर समय हर रोज गोमूत्र से लेप यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से इनकी जो छत है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, जो कि लकड़ी से बनाई गई थी। ध्यान रखें, ये एक ऐसा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया था, चूने का प्रयोग नहीं हुआ था, जबकि किसका प्रयोग किया गया, जिप्सम का प्रयोग किया गया था। अगर हम इसका पूरा परकोटा देखें ना चारों ओर का, तो वो कैसा दिखता है, घाघरे नुमा, जिसे हम घाघरा कोट या फिर कमर कोट भी कहते हैं। अब देखें, किसी भी हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रसिद्धि दिलवाने के लिए पहले के ज़माने में डाक टिकट उसके नाम पर जारी किया जाता था, तो जैसलमेर दुर्ग पर भी 2009 में 5 रुपये की डाक टिकट जो है वो जारी की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा बुर्ज जो हैं वो कौन से किले में है, जैसलमेर के किले में है, जो कि 99 बुर्ज हैं। सत्यजीत रे ने सोनार किला पर फिल्म भी बनाई है। ठीक है, ध्यान रखें, ये प्रश्न भी आ सकता है, सत्यजीत रे जो हैं उन्होंने भी इस पर फिल्म बनाई है सोनार किला पर। अब हम अगर बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की, तो यहाँ पर देखिए जो प्रमुख मंदिर है, एक तो है लक्ष्मीनाथ का मंदिर। दो महत्वपूर्ण मंदिर आपको याद रखने हैं, एक लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, एक आदिनाथ का मंदिर है। लक्ष्मीनाथ मंदिर की जो मूर्ति है वो मेड़ता से लाई गई है, और इसका प्रवेश द्वार है वो चांदी का है।
आदिनाथ का मंदिर इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो दो मंदिर हो जाएंगे, आदिनाथ का मंदिर और लक्ष्मीनाथ का मंदिर। अगर हम बात करते हैं प्रमुख महलों की, तो देखिए यहाँ पर चार प्रमुख महल आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा बादल महल। अब देखिए आपको राजस्थान के कई जो गढ़ हैं वहाँ पर बादल महल देखने को मिलेगा। लेकिन बादल महल क्या होता था उस समय, ऐसा माना जाता था कि ऐसा महल जो बहुत ऊंचाइयों को छू जाता था, यूं मान लिया जाता था कि भाई बादल को वो टच कर रहा है, बादल को छू पा रहा है, तो ऊंचाइयों के महल को बादल नाम रख दिया जाता था, बादल महल। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है, क्योंकि आपको बहुत सारे बादल महल अलग अलग किलों में देखने को मिलेगा, तो सबसे ऊंचा जो बादल महल है वो कहाँ का है, जैसलमेर का है। तो ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा बादल महल है, जो कि 5 मंजिला है। इसी के अलावा यहाँ पर पूरे जैसलमेर के जो ये दुर्ग है सोनारगढ़, उसका जो सर्वोत्तम महल है उसे क्या कहा गया है, शीश महल कहा गया है। इसी के अलावा यहाँ पे ताजिया टावर है, गज विलास महल है, जो कि मुख्य महल यहाँ पर माने जा सकते हैं। यहाँ पर जैन भद्रेश्वरी पुस्तकालय है। इसी के अलावा यहाँ पर एक जैसलू कुआं भी स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इस कुएं की उत्पत्ति हुई है। तो जैसलू कुआं भी कहाँ पर स्थित है, सोनारगढ़ में स्थित है। अब ये जो दुर्ग है ये अपने 2.5 सैके के लिए बहुत ज्यादा फेमस हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पे एक अर्धशाका भी हुआ है। तो हम बात करते हैं 2.5 सैके कहाँ हुए हैं, जैसलमेर दुर्ग में हुए हैं। अब साके से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सती शब्द का जो प्रयोग है उसका क्या मतलब होता है, या साका का मतलब क्या होता है। पति क्या होता था, पति की मृत्यु के बाद पत्नी का भी अग्नि में प्राण त्यागना सती माना माना जाता था। जो राजस्थान की पहली सती मानी गई है वो कौन मानी गई है, संभला कंवर को माना गया है। इसी प्रकार अगर महासती की बात करते हैं, तो महासती यानी जो पति के साथ तो नहीं लेकिन पति की किसी निशानी के साथ सती हो जाए, जो कि उमा दे, जो कि रूठी रानी का जिसका मंदिर भी है, तो महासती उसे कहा जाता है जो अपने पति की किसी निशानी के साथ उसकी जो सती होती हैं। तीसरा होता है आसती। आसती का मतलब क्या होता है, अगर कोई कुंवारी कन्या सती हो जाए उसे कहा जाता है आसती, जैसे कि केवर माता। इसी प्रकार होता है महासती। महासती यानी पुत्र की चिता के साथ अगर माँ भी सती हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, महासती कहा जाएगा। इसी के अलावा एक शब्द आता है केसरिया। केसरिया क्या कहा जाता है कि जब भी पुराने समय में जो राजा है वो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते थे केसरिया पगड़ी के साथ, और अगर युद्ध भूमि में ही राजा की मृत्यु हो जाती तो उसे केसरिया कहा जाता था कि वो केसरिया हो गया। और अगर शासक की मृत्यु हो गई है, राजा की मृत्यु हो गई है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो रानियां हैं वो क्या करती थी, अग्नि या जल में अपने प्राण त्याग देती थी, उसे कहा जाता है जोहर। और केसरिया और जोहर को मिलाकर क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। यहाँ के 2.5 सैके जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। और एक होता है अर्ध साका। अर्ध साका का मतलब तो क्या है कि भाई युद्ध भूमि में राजा की मृत्यु तो हो गई है लेकिन रानियों के द्वारा अगर जोहर नहीं किया गया है तो उसे अर्ध साका कहा जाएगा। जो पहला साका हुआ है जैसलमेर का वो हुआ है 1312, ध्यान रखना है 1312 में मूल राज द्वितीय जो थे उस समय जैसलमेर के शासक थे, और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा साका जो था वो 1370-71 में हुआ था, उस समय यहाँ के शासक थे राव दूदा, और आक्रमण किया था फिरोज तुगलक ने। तीसरा अर्ध साका हुआ है, ध्यान रखें 1550 में, उस समय राजा थे लूण करण सर, और आक्रमण किया था कंधार के अमीर अली ने। यहाँ पर उन्होंने कह सकते हैं कि महिलाएं जौहर इसमें नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी, क्योंकि धोखा देकर लूण करण के साथ धोखा दिया किया गया और महिलाओं को बंदी बना लिया गया था, जिस कारण से महिलाएं जो थी यहाँ पर जौहर नहीं कर पाई थी। तो ये 3 साके, प्रथम साका, द्वितीय और तीसरा जो था वो अर्ध साका, सोनारगढ़ में हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कह सकते हैं सोनारगढ़ की थी। इसी के अलावा इस दुर्ग के लिए कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिरायो भाटियो, सिरे टू जैसलमेर। तो ये कहावत इस दुर्ग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के अलावा अबुल फजल ने भी लिए इसे बहुत इसके लिए कुछ कहा है हम कह सकते हैं, जैसे कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तल कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसा।
तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा एक दुर्ग है जो दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे जहाज ने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है। तो बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग हम कह सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी यह है। और आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। 2013 में इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया है। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता ही चुकी हूँ। यूनेस्को के द्वारा हमने बात की थी कि 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में हमारा जो जैसलमेर का किला है उसको भी शामिल कर लिया गया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।